हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज स्फीयर में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बेहतर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का टॉपिक है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा वुड कौन से, लकड़ी कौन सी है। आप सभी ने पुष्पा मूवी देखी होगी। वो पुष्पा मूवी एक लकड़ी पे बेस्ड मूवी थी जिसका नाम अब लाल चंदन था। उस लाल चंदन की कीमत सोच के आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इससे महंगी लकड़ी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक किलो कीमत थी उसकी 30,000 प्रति किलो। लेकिन आपको जान के और भी ये हैरानी होगी कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की है, तो शायद आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा उसकी कीमत सुन करके। तो आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन ब्लैक वुड की। ब्लैक वुड के नाम से आप लोग को काफी आश्चर्य हो रहा होगा कि ब्लैक क्यों है, क्योंकि इस लकड़ी जैसे लाल चंदन में आपको उसकी लकड़ी लाल कलर में देखने को मिली, वैसे इस ब्लैक वुड में आपको ये लकड़ी काली कलर में देखने को मिलेगी। है ना अचंभित बात? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लकड़ी आखिर काली कैसे हो गई। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लकड़ी के काले होने का रीजन क्या है। तो ब्लैक वुड पेड़ की लकड़ी के काले होने का कारण उसका टैनिन का उच्च स्तर है। उसमें जो पाया जाता है टैनिन, जो कि 20% है, उस लकड़ी में पाए जाने के कारण ही वो लकड़ी काली होती है। ये एक गहरे कलर का रसायन होता है, केमिकल होता है, जो कि आपको मैक्सिमम टी या कॉफी में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टैनिन ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है मछलियों के लिए और लकड़ी के लिए। तो फिर इसका इतना यूजफुल क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ है। इसकी जो वुड है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जो कि यूजफुल होता है कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो इतना तो आपको पता चला कि टैनिन के मौजूद होने के कारण इस पेड़ की जो अंदर का पार्ट है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक वुड के फेमस होने का कारण क्या है? वो इतना ज्यादा महंगी लकड़ी क्यों है? महंगी लकड़ी इसकी कीमत का, इसकी कीमत हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये ब्लैक वुड इतना फेमस आखिर क्यों है। तो ब्लैक वुड के इतने पॉपुलर होने का कारण इसकी टिकाऊ लकड़ी है। इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेश कीमती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसका यूज फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक, आप इसका यूज संगीत के वाद्य यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट का में भी यूज कर सकते हैं, गिटार में यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको बांसुरी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होती, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, तो इसके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। इसकी वजह से ही ये इतनी ज्यादा महंगी लकड़ी मानी जाती है दुनिया में। अगर ये लकड़ी आपके हाथ लग गई ना, तो सच्ची आप इसके एक किलो की लकड़ी को बेच करके अपने लिए एक लग्जरी कार ले सकते हैं। कैन यू इमेजिन? आइए हम आपको बताते हैं कि लकड़ी आखिर पाई कहाँ जाती है। ये दुर्लभ लकड़ी आपको मध्य और दक्षिण अफ्रीका के 26 देशों में पाई जाती है। ये आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अब इसके नॉलेज की वजह से इंडिया में भी उत्तरी एरिया में काफी जगह ब्लैक वुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दुर्लभ लकड़ी आपको मध्य और दक्षिण अफ्रीका के 26 देशों में मिलेंगी। ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी। इंडिया में भी अब इसका थोड़ा थोड़ा प्लांटेशन होने लगा है, तो आप इंडिया में भी आप ब्लैक वुड को देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो उपजाऊ है, इसका जो ग्रोथ होता है, वो मध्य और दक्षिण अफ्रीका में ही होता है। अफ्रीकी ब्लैक वुड के महंगे होने का कारण इसकी दुर्लभता है। इस पेड़ को ठीक से तैयार होने में 60 सालों का समय लगता है। अफ्रीकी ब्लैक वुड के पेड़ सेनेगल, पूर्व इरिट्रिया तक अफ्रीका के सूखे क्षेत्रों और दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 25 से 40 फीट होती है। ये ज्यादातर सूखे स्थानों पर ही मिलते हैं, क्योंकि ये पेड़ संख्या में बहुत ही ज्यादा कम है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसकी वजह से ही ये काफी ज्यादा महंगा है। इसकी महंगाई की बात करें, इसकी कीमत की बात करें, तो इसकी कीमत आप लगा सकते हैं 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम में। अगर आपके पास पूरा एक पेड़ हो तो आप तो फिर अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अफ्रीकी ब्लैकवुड की लकड़ी का अधिकतर इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे संगीत इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसकी वजह से इनके फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। लेकिन इसको खरीदना किसी आम पर्सन की बात नहीं है। इसको एक रिच पर्सन खरीदने से पहले भी बहुत बार सोचेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी लकड़ी है। इतनी ज्यादा महंगी होने की वजह से इस पेड़ के दुश्मन भी बहुत ज्यादा है।
इसकी तस्करी भी लाल चंदन की तरह ही होती है। इतनी ज्यादा तस्करी होने की वजह से इस पेड़ को एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है, जो कि खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। इस पेड़ का यूज भी आप बहुत सारे मेडिसिन में किया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर आपको फंगल इन्फेक्शन में काम करता है। इसका जो अर्क होता है वो फंगल इन्फेक्शन में काम करता है। वैसे तो किसी खाने की सामग्री में ये यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें टैनिन रहता है और टैनिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रसायन है। इस अफ्रीकन ब्लैक वुड का नाम हमारे भारत में इंडियन रोज वुड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ग्रोथ लगभग नॉर्थ साइड में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप आपको अफ्रीकन ब्लैक वुड या दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के बारे में जान करके काफी अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।